अच्छा, सबसे अच्छी बात जो इसमें लगी कि किस तरह से सरकारों ने, हमारी गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही थी, पीक पे था टेररिज्म हमारी कंट्री में, उसको उन लोगों ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उसको दबाया, तो इस फिल्म में उसको दिखाया गया है, तो हमारे यूथ जो है वो अवेयर होंगे उससे। क्या आपको इस इंसिडेंट के बारे में पूरी तरह से पता था कि ऐसा हुआ था, बट ये अंदर में किस तरह से सरकारों ने इसको छुपाने की कोशिश की थी ये हमें नहीं पता था, तो इसमें वो हमें पता चला है। और जॉन कितने इंटरेस्टिंग लगे हैं? बहुत। इस तरह की फिल्में जॉन अब्राहम पहले भी कर चुके हैं, ये आई थिंक ये रॉ भी करा था उन्होंने, वो भी मैंने देखा था, तो उसमें वो जचते हैं। हाँ, कहानी अच्छी थी, ऐसे कहानी तो हम लोग जान रहे थे लेकिन अंदर की कहानी से बताई गई तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सबसे इंटरेस्टिंग आपको फिल्म में कौन सा पार्ट लगा? ये लास्ट वाला जो, हाँ लास्ट, वो सबसे अच्छा था क्योंकि उन्होंने पूरा उसको खोल के रखा है कि कैसे कैसे। आउट ऑफ 5 मैं 4 दूंगा। फिल्म बहुत बेहतरीन है। जॉन अब्राहम का काम ओबियसली हमेशा से बेहतर रहा है, एंड इसमें उन्होंने फाड़ू काम किया है, जो उनका डेडिकेशन है, जो काम को लेकर मतलब सीन किए उन्होंने प्रॉपर। क्या नहीं नहीं बाटला उसकी स्टोरी नहीं पता थी एक्चुअली। इसमें स्टोरी बेसिकली ये बताई गई कि मतलब जो लोगों की परसेप्शन है पुलिस को लेकर, जो अपने लोग पुलिस वाले काम करते हैं उनको मतलब ये फेक काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दिखावटी टीआरपी के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है, वो ओबियसली बहुत अच्छा काम करते हैं और लोगों की मतलब अपनी हेल्प बहुत करते हैं। जॉन का काम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का मुझे अच्छा लगा, एंड सेकेंड हाफ तो मतलब एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया। गाने एक ही थे, साकी साकी, एंड वो तो था इंटरेस्टिंग। लगभग 4-5 में से 4 मिलेंगे। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी थी, बिल्कुल अच्छी लगी, एकदम बढ़िया। देख के है ना पता चला कि बिहाइंड द सीन क्या था, सिर्फ इंसिडेंट्स के बारे में सुना था, पिक्चर देखने के बाद पता चला कि क्या एक्चुअल स्टोरी थी। हाँ सुना था, मतलब जो एक्चुअल, फिर जो पिक्चर देख के पूरी बैकग्राउंड की स्टोरी और क्या एक्चुअल हुआ होगा वो समझ में आया। गाने भी ठीक थे, मूवी ओवरऑल अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एंड एक्टर्स के काम के बारे में? बहुत अच्छी थी, बिल्कुल। जॉन कितने स्टार देना चाहिए? फुल 5। सर जॉन के एक्शन के बारे में बताइए। ओके, कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत ही अच्छी मूवी थी वैसे। एंड जॉन अब्राहम का काम कैसा लगा? वो तो हमेशा अच्छा ही एक्टर रहता है, मुझे उसकी सारी मूवीज पसंद आती है। बाटला हाउस की कहानी की अगर बात करिए तो कहानी के बारे में बताइए। उसमें सब कुछ दिखाया था कि बाटला हाउस में मतलब एनकाउंटर कैसे किया था, क्या सच था क्या झूठ था, दिल्ली पुलिस को जो ब्लेम किया था वो सब झूठ था, सब कुछ दिखाया गया था। म्यूजिक में थोड़ा ही अच्छा लगा, बट फिर भी म्यूजिक का जो गाना था वो अच्छा था। मैं इस मूवी को 4.5 स्टार्स दूंगा। फिल्म अच्छी थी, ऑफ कोर्स नो डाउट अच्छा था। इंडिपेंडेंस डे के लिए तो ये बहुत ही अच्छा फिल्म था। हाँ, मैंने स्टोरी सुनी थी उसकी, आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट तो वी नो अबाउट इट, तो दिस वॉज वेरी गुड थिंग के इंडियन पुलिस के बारे में जो ऑल द ये दिए गए थे उसके लिए बहुत ही अच्छा जॉन ने प्रूव किया था, एंड स्पेशली द लास्ट पार्ट ऑफ द फिल्म इज वेरी नाइस। इस डायलॉग जी 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 पता था ये बाटला हाउस का, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। ऑथेंटिक तो था ही, यस विद एंटरटेनमेंट। सुपर्ब जॉन तो बहुत अच्छी तरह इस किरदार को निभाया है इस फिल्म में। जॉन के अलावा किसी और ने आपको इंप्रेस किया काम में? जॉन बस। और एंटरटेनमेंट फैक्टर है फिल्म में? एक सॉन्ग है ना साकी साकी, बस। अदरवाइज नो नीड फॉर एंड द फुल मूवी वाज एंटरटेनिंग ओनली। 5 out of 5। Mam last, mam last.